Hello guys, in this video we will discuss about irrational numbers. So any number which cannot be written in P by Q form where P and Q are integers and Q is not equal to 0. कोई भी number जो fraction की form में नहीं लिखा जाता उसे हम irrational number बोलते हैं. Simple. And कौन से root जो हैं square roots irrational होते हैं and कौन से rational होते हैं. So, जिनका हम स्क्वायर नहीं कर सकते वो आपके इरेशनल होते हैं. लाइक 1 का स्क्वायर हम नहीं कर सकते तो ये कौन सा नंबर होगा? इरेशनल. एंड हम 2 का भी स्क्वायर नहीं कर सकते तो ये भी कौन सा नंबर है? इरेशनल. 3 का भी नहीं कर सकते सो इट्स आल्सो इरेशनल. आई एम राइटिंग आई फॉर इरेशनल. ओके, अब 2 का हम सॉरी 4 का हम स्क्वायर कर सकते हैं. लाइक रूट 2 का होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो ये आपका 2 आ गया. मींस ये एक रैशनल नंबर आ गया आपका 2/1 की फॉर्म में. सो ये आपका इरेशनल नहीं होगा, ये रैशनल है. अब इसका हम स्क्वायर नहीं कर सकते तो ये कौन सा है? इरेशनल. 6 का भी स्क्वायर नहीं कर सकते, इट्स ऑल्सो इरेशनल. 7 का भी नहीं कर सकते, इरेशनल. 8 भी इरेशनल. नाउ 9 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, रूट 3 होल पावर 2. 2 से रूट कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 3. 3 क्या है? एक रैशनल नंबर. आप 10 का भी स्क्वायर नहीं कर सकते तो ये भी इरेशनल. जिनका हम स्क्वायर नहीं कर सकते वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल. 14 का भी नहीं कर सकते, 15 का भी नहीं, एंड 16 का हम कर सकते हैं, रूट 4 का होल स्क्वायर. रूट से सॉरी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया सो ये आपका आ गया 4, विच इज़ अ रैशनल नंबर. नाउ 100 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, रूट 10 होल पावर स्क्वायर में आ गई. स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आपका 10 आ गया तो ये भी रैशनल नंबर है. मींस जिनका हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं वो आपके इरेशनल होंगे. जिनका हम स्क्वायर कर सकते हैं रूट की फॉर्म में अगर हों वो तो वो रैशनल होंगे. सो इस वीडियो में हमने ये पढ़ा है. सो ये बहुत ईजी टॉपिक है, यू जस्ट नीड टू स्टडी इट. Thank you.